अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी बॉय। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो है थोड़ा इलेक्ट्रिकल के बारे में है, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम 185 का केबल का टर्मिनेशन करके दिखाएंगे। ये हमारा लग पहले ही जो लगे हुए हैं, ये हमारा अंदर लगा हुआ था ये पैनल, अभी हम बाहर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको अपना केबल को सीधा करने के बाद में ब्रेकर के बिल्कुल नीचे जहाँ पर हमें केबल लगाना है वहाँ पर लग कर हमें मार्कर से मार्क कर लेना है, सेम इस तरह से जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं। बहुत आराम से आपको मार्क करना है, देखिए जूम करके भी दिखा दिया। मार्क करने के बाद में इसको आपको यहाँ से कट कर लेना है। यह हमारा पुराना केबल है, पहले लगा हुआ था, इसलिए परेशान नहीं होना, ये पुराने जो लगे हुए हैं। अभी देखिए हमारे ये जसीम भाई हैं, ये केबल कट करेंगे। इसको आपको कट करने से पहले बिल्कुल सीधा कर लेना है, सीधा केबल करने के बाद में तभी कट करना है। ये बहुत आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये काफ़ी हार्ड केबल है, 185 का केबल है, तो कॉपर का है, इसलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसे काटने के लिए। और ये देखिए, ये कट कर दिया है। अब आराम से आपको यहाँ पर इसको छीलना है नाइफ से, उल्ला का लगाने देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो बहुत आसान है। ये देखिए, आपको नाप लेना है, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके बराबर आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में आपको नाइफ से इसका जो है केबल ये छील लेना है। आराम से करना है, क्योंकि नाइफ जो है काफ़ी तेज़ होता है, कहीं हाथ में ना लगे, इसलिए बहुत आराम से करना है। ये हमारे मोहसिन भाई छील रहे हैं, और हम जो है सफारी कंपनी में हैं सऊदी अरबिया में, तो कुछ हमारे फ्रेंड्स जो हैं सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, तो इसी तरह का काम होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर बहुत, ये देखिए छील दिया है। छीलने के बाद में ये हमारा जो लग है वो गोल होता है, और ये जो तिकोना होता है अपना केबल जो है, अब इसको पिलार से हमको गोल कर लेना होता है। थोड़ा गोल करेंगे तो आसानी से लग में चला जाएगा। ये देखिए, हमने ठोक दिया है, लगा दिया है। उसके बाद में हमको यहाँ पर रख कर देख लेना है जहाँ पर हमको ये टाइट करना है, वो अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इसको स्क्रू ड्राइवर डालने के बाद में सीधा कर लेना है, और पंच करने से पहले। ये देखिए, बिल्कुल सीधा है, रखना है इसको, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ये हमारे पास मैनुअली पंच है आज, क्योंकि आज हमारा फ्राइडे का दिन है, और हमारा जो है ऑफिस बंद है, जो स्टोर है हमारा बंद है, वहाँ पे हाइड्रोलिक है पंच, पर अभी हमने मैनुअल लिया हुआ है। देखिए, इसमें काफ़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे जुबेर भाई और मोहसिन भाई कर रहे हैं, देखिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि केबल भी हार्ड है और ये 185 का केबल है। ये दोनों ने मिलकर कर दिया, बस आपको दो तीन पंच लगा लेना है, और आराम से, कोई टेंशन से नहीं, बहुत आराम आराम से करना है काम, मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सीधा रखकर पंच, उसके बाद में पंच मारना है। ये देखिए, बिल्कुल सीधा है, उसके बाद में पंच मारना है। ये देखिए, पंच हो गया। पंच करने के बाद में आपको ये टेप लगा देना है। हमारे पास फ़िलहाल अभी ब्लैक टेप है, इसलिए हम ब्लैक टेप लगा रहे हैं, वरना आप रेड केबल पर रेड टेप लगाना है, ब्लू पर ब्लू और येलो पर येलो, काफ़ी अच्छा लगेगा। आज हमारा जो है स्टोर बंद था आज, क्योंकि फ्राइडे का दिन था और हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास जो था उसी से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरबिया में फ्राइडे में छुट्टी होती है। इसको स्क्रू ड्राइवर डाल कर सीधा कर लिया है,
सीधा करने के बाद में बोल्ट लगा कर, नट बोल्ट लगा कर यहाँ पर टाइट कर देंगे। इसको बिल्कुल केबल को बिल्कुल सीधा रख कर टाइट करना है। ये हमारा चीज़ बिल्कुल सीधा रखने के बाद में, पीछे स्पिनर लगाने के बाद में आपको आराम से टाइट कर लेना है। आपको बहुत ही आराम आराम से काम करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। हमारे मोहसिन भाई टाइट कर रहे हैं, जुबेर भाई ने पीछे स्पिनर लगा कर रखा था। और अब देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ वरना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब देखिए, ये येलो वाला वायर जो है, अब हमको येलो केबल ये सीधा करके रखना है। और इस तरह से हमें, जैसे पहले बताया था हमने, इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, निशान लगा लेना है बस मार्कर से, क्योंकि आसानी हो जाएगी मार्कर से निशान लगाने के बाद में। और यहाँ से फिर एक बार चेक कर लेना है, देखिए सेम पहले की तरह हमको निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद में यहाँ से कट कर देना है। ये वही पैनल है, हमने पहले अंदर लगाया था, अभी वो बोले कि हमें ये पैनल बाहर चाहिए, तो अभी हमने बाहर लगा रहे हैं, इसलिए पहले ही लगे हुए हैं। केबल बड़ा भी हो गया है इसलिए। अब देखिए फिर से यहाँ से कट करेंगे हम, जो निशान लगाया था आराम से यहाँ से कट कर लेना है। ये 185 mm का केबल है कॉपर में, इसलिए काफ़ी हार्ड है। ये बिल्कुल सीधा रखना है, कटर जो है आपको बिल्कुल केबल पर सीधा रखना है। और ये अपने जुबेर भाई, जसीम भाई ये काट रहे हैं, ये कट गया। हाँ, फिर से वही प्रोसेस से आपको ये लग रखना है। रखने के बाद में आपको फिर से निशान लगाना है, जितना लग के अंडर केबल डालना है उतना, उससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, आराम से आपको निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में आपको नाइफ़ से छील लेना है, और नाइफ आराम से चलाना, ना तो आपके हाथ में लगे ना ही दूसरी केबल में लगे, इसीलिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है नाइफ। अपने मोहसिन भाई आराम आराम से कर रहे हैं काम। ये देखिए आराम से, हो गया। अब इसको गोल कर लेना है। गोल करने से ये फ़ायदा होगा, आपका लग जो है वो गोल होता है, तो आपके लग में आराम से केबल चला जाएगा, वरना थोड़ी परेशानी होगी आपको डालने में, भी थोड़ा और करना पड़ेगा। आराम आराम से करें, कोई जल्दी नहीं। अब केबल के टुकड़े से ही इसको ठोकना है, अगर आप हथौड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो लग खराब हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से काम करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि ये सऊदी अरबिया है, यहाँ पे जल्दी काम नहीं होता, आराम आराम से काम होता है, ये इंडिया का सेम नहीं है। ये देखिए, साथ साथ में आपको नापते भी रहना, सीधा इस तरह से, जहाँ को आपको टाइट करना है वहाँ पर रख कर देखना है, अगर सही आएगा तो उसके बाद में पंच करना है बस, थोड़ा और ठोकना पड़ेगा। ये आपको नट इसका जो है, नट बोल्ट डालकर देख लेना है, चेक कर लेना है, सही आएगा तो बाद में पंच कर लेना है। पंच थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, क्योंकि ये मैनुअली है, भी हेड्रोलिक वाला जो पंच आता है वो अभी हमारे
स्टोर में है और आज छुट्टी का दिन था इसीलिए हम इसी से काम कर रहे हैं। काम भी थोड़ा बस एक ही केबल लगाना था ये, तो इसलिए इसी से काम चला लिए। काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है दोनों जवानों को। काफ़ी क्योंकि ये हमारा पंच जो है पुराना मॉडल है, पुराना है, तो इसलिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब इसका करने के बाद में आपको टेप लगाने का है। मैंने पहले ही बताया हमारे पास ब्लैक टेप है। अगर आप आपको येलो टेप रखना है येलो केबल पर, और रेड पर रेड और ब्लू पर ब्लू, तो अच्छा रहेगा। चलो हम इसी से काम चला लेते हैं। हम इसको स्क्रू ड्राइवर डालने के बाद में इसको सीधा कर लेना है थोड़ा। अब इसको फिर से आपको टाइट कर लेना है आराम से। पीछे स्पिनर से पकड़ लेना है ताकि घूमे ना, और यहाँ से रज्जी से आपको टाइट कर लेना है आराम आराम से। और बिल्कुल सीधा केबल रख के टाइट करना है, ऐसा नहीं थोड़ा आड़ा हो गया तो थोड़ा मुश्किल होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में, इसलिए बिल्कुल सीधा रख कर आपको टाइट करना है आराम आराम से। तो ये हमारी सफारी कंपनी है, सफारी कंपनी दिखा रहे हैं जुबेर में आपने। और ये फिर से अब तीसरा केबल है, इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है आराम से। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल केबल सीधा रखने के बाद में आपको कट करना है। आपके अपने जैसे ही भाई काट रहे हैं, काट दिया। और जी ये देखो फिर से निशान लगा लेना, सेम सेम प्रोसेसर है। आराम आराम से आपको छील लेना है, आप हाथ बचाकर, क्योंकि नाइफ काफ़ी तेज़ है। और फिर इसको गोल कर लेना है। गोल करने के बाद में इसको रखकर केबल के टुकड़े से ही ठोकना है। हथौड़ी आपसे आप अगर ठोकेंगे तो ख़राब हो जाएगा। ले फिर से पंच करना है। जवान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन भी छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन ही काम करना पड़ रहा है आज हमारा हमें तो जो कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसे बस टेप लगा देना है। देखिए आसानी से आ गया। इसे इसको भी टाइट कर लेना है। देखिए बस हो गए। ये कितना आसान थे, मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं थी और ये काफ़ी आसान है। वैसे भी यहाँ पर देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। हमने ये नूटल भी लगा दिया है। और ये हमारे तीसरे जो अभी हम दूसरे टर्मिनेशन है वो भी हमने कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए हमने दिखाया नहीं थोड़ा। वो 70 का केबल है, पतला केबल है, तो इसलिए आराम वो तो आप आराम आराम से भी कर लेंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए पहले ही हमने इसको सीधा सीधा रख कर बस टाइट कर देना है इसको भी सेम इधर। ये हो गया। बस आपको ही सेम वही तरीका है, आपको लग रख कर निशान लगा लेना, निशान लगा कर काट कर उसको पंच कर देना, बस फिर टाइट कर देना है।
में कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपना केबल सीधा रख कर टाइट कर देना है। ये तीसरा न्यूट्रल है, थोड़ा स्क्रू ड्राइवर डालकर सीधा कर लेंगे। अपने जो गेयर में कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आज तो। अभी देखिए आप, हम आपको इधर दिखाते हैं, सेम आपको बिल्कुल सीधा लेकर जाना है ताकि अच्छा लगे। जैसे आराम से लेकर जाएंगे, सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद में आपको यहाँ से कट कर लेना है। पहले लग रख कर अभी सीधा कर रहे हैं। देखो सीधा रखेंगे, देखो सीधा आ गया बिल्कुल। और यहाँ पर लग लगाएंगे, फिर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। सेम उसकी तरह सेम प्रोसेसर है इसका भी, टेंशन नहीं है। निशान लगाया, फिर से इसको कट करेंगे। चेक किया, कट करने के बाद में फिर से लग लगा कर चेक कर लेंगे, फिर से नाइफ से छील लेंगे इसको। सेम वही तरीका है, कोई अलग नहीं है, वो काफ़ी आसान है। बस आपको ध्यान जो रखना है वो नाइफ़ चलाते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो हाथ में लग जाएगा। सेम वही, फिर से वही देखिए, छील कर आराम से लग लगा देना है, उसको सीधा करके फिर इसको पंच कर देना है। बस देखिए अभी हमारा दूसरा पंच है, क्योंकि ये 70 तक था इसीलिए हो गया। अभी दूसरा ये कर दिया, फिर से तीसरा मोहसिन भाई कर रहे हैं। और इसको करने के बाद में थोड़ा इसको वो प्लायर से आपको गोल फिरा लेना है, क्योंकि फिर से टेप लगा देना है। बस टेप लगाने के बाद में यहाँ से फिर टाइट कर देंगे आराम से। बिल्कुल सीधा रखना है केबल, बस कि अच्छा लगे। ये हमारे जैसी नाइज ने टाइट कर दिया आराम से, ये हो गया टाइट। सेम वही तरीका फिर से येलो में इसको सीधा करेंगे वायर को। सीधा करने के बाद में लग लग कर निशान लगा लेंगे फिर से। देखिए इतना निशान लगाया, आपको निशान जो है वो सही से लगाना है, ऐसा ना हो कि छोटा हो जाए और ये भी ना हो कि बड़ा हो जाए, क्योंकि फिर बाद में थोड़ी परेशानी हो जाएगी अगर छोटा हो गया तो। बड़ा हो जाएगा तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा फिर आपको बाद में भी सही भी कर सकते हो, पर छोटा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर से देखिए अपने जुबेर मियाँ लगे हुए हैं आज, जुबेर मियाँ, जसीम और मोहसिन, ये तीन बंदे हैं जो हैं, तीनों जवान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आज छुट्टी वाले दिन भी। पंच ये हमारे मुहंदिस हैं, इंजीनियर, आज अपने ड्रेस में नहीं है क्योंकि आज छुट्टी का दिन था इसीलिए। ये मिस्र के रहने वाले हैं, फिर से जसीम, जसीम ने फिर से टाइट कर दिया ये आराम से। आपको बस सीधे रखकर टाइट करना है, और टाइट जो है वो अच्छी तरीके से करना है, ऐसा लूज ना हो वरना फिर स्पार्किंग होगी इसलिए।
से निशान लगा लेना है। जैसे हमने निशान किया लगाया कट कर दिया है, कट करने के बाद में फिर से वही बस आपको आराम आराम से काम करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा सुकून से आपको काम करना है। बस आपको ठोकते वक्त, लग लगाते वक्त हैमर का इस्तेमाल नहीं करना, वरना लग खराब हो जाएगा। इसे पंच करना है, हम उसी में पंच कर रहे हैं, सीधा रखकर पंच करना है। इसको गोल फिरा देना है प्लायर से, फिर टेप लगाना और फिर उसको आराम से टाइट कर देना है। ये देखिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए फिर से सेम तरीका वही सीधा रखकर आपको निशान लगा लेना है। देखिए निशान लगा लिया, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। कोई हमारे फ्रेंड्स अगर सऊदी अरबिया आने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के, तो इसी तरह काम होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी आसान है, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको मन मर्ज़ी के मुताबिक काम करना होता है। ये देखिए इधर फ्यूज़ लगा रखे हैं, इधर मीटर लगा रखा है, हमारा एक दूसरा चैनल है इलेक्ट्रिकल का, यह हमारे मोहसिन भाई जो इर्मिया और जसीमिया, तो हाँ ये पेंटर साहब हैं हमारे, ये भी मिस्र गए हैं। तो हाँ हमारा एक इलेक्ट्रिकल का एक दूसरा चैनल है कोटली विद इरफान, इलेक्ट्रिकल कोटली का। आपको अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में कोई वीडियो देखनी है तो आप उस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। देखिए ये एलंकी का स्क्रू था तो एलंकी से टाइट होगा। मार्क करना है आज, ये अपना मोहसिन भाई काफ़ी खुश है आज, पता नहीं क्यों। अपने जुबेर मियाँ, जसीम मियाँ और मोहसिन भाई अपने लगे हुए हैं, तीनों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्या हालत हो गई है केबल की भी, पंच लगाना है आराम से। काफ़ी खुश है सब लोग। हमारे जसीम भाई जो हैं वो यूपी से हैं और हमारे जुबेर भाई जो हैं वो हैदराबाद से हैं और मोहसिन भाई जो हैं वो उत्तराखंड से हैं। तीनों अलग अलग हैं पर यहाँ पे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है आपस में, तो सब लोग मस्ती से काम करते रहते हैं हमेशा। देखिए अभी जसीम भाई अपना लगा हुआ है, ये जल्दी जल्दी चला रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वरना तो 1 घंटे में की वीडियो बन जाएगी तो फिर
सही नहीं रहेगा, इसलिए छोटी वीडियो बनाकर आपको लक वो छीलने के बाद में थोड़ा घुमा जरूर लेना है उसको, गोल कर लेना है केबल को, वो ज़रूर कर लेना है, वरना लक के अंदर आएगी नहीं, आपको परेशानी होगी। देखिए पंच लगाना आराम से, ये अपने सीधा कर रहे हैं केबल मशीन भाई अपने, ये देखिए बिल्कुल सीधे, फिर से टाइट कर लेंगे। देखिए देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, आराम आराम से आपको टाइट कर लेना है। यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग लगानी है, एक साइड में आपको न्यूट्रल लगाना है और दूसरी उसके अपोजिट साइड में जो है आपको ग्राउंडिंग लगानी है। देखिए स्क्रू ड्राइवर डालने के बाद में आप सीधा कर लेंगे। ये हमारा पैनल जो है अंदर लगा हुआ था इसलिए पूरा लग लगे हुए हैं, अभी हम ग्राउंडिंग जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी हमने ये पैनल जो है हमने अभी बाहर लगाया है, ये एक हफ्ता पहले हमने अंदर लगाया था यही पैनल और आज हम बाहर लगा रहे हैं। देखिए आराम से यहाँ पर टाइट कर लेंगे, ये मेन ग्राउंडिंग हो गई, उसके बाद में अपना तीनों केबल का ग्राउंडिंग ले लेंगे और यहाँ पर ऊपर 1-to-1 लगाते रहेंगे। इसको ड्राइवर डालने के बाद में सीधा कर लेंगे क्योंकि लग हमारे पहले ही लगे हुए हैं, ये हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको सीधा रखकर टाइट करना है ताकि अच्छा लगे देखने में भी। सऊदी अरबिया में बस यही है, आपको काम जो है वो खूबसूरत करके देना है, अच्छा करके देना है। थोड़ा आप 1 घंटे की बजाय आप 2 घंटे लगाएं, पर काम जो है अच्छा होना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, बस यही है। कि हमारा लास्ट जो है ग्राउंडिंग वो भी अब लगाने चले हैं, बस वो भी लग चुका है, बस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको, आराम से टाइट कर देंगे, ये बिल्कुल सीधा कर देंगे इसको। आज फ्राइडे है और हमने 2 घंटे के लिए डाउन लिया था ये, तो 2 घंटे के लिए लाइट बंद कर रखी है। देखिए हमारा काम हो गया, अब हम यहाँ पर आए हैं, ये हमने पावर ऑन कर दी है, यहाँ पर पावर ऑन कर ये यहाँ से ऑन हो गई। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे पावर, देखिए अब पावर आ चुकी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पावर आ चुकी है और हमारा काम ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल सिद्दीकी बॉय को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।